संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के कम देर रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे विपक्ष की बेइज्जती करार दी है। इसके अलावा वाम दल और टीएमसी ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि पवार जो पिछले दिनों मोदी से मिले थे, उन्होंने अभिभाषण प्रस्ताव का खुलकर विरोध नहीं किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा कि पीएम मोदी उस बैठक में मौजूद क्यों नहीं थे जिसे सरकार ने ही बुलाया था। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री महोदय, ये सच है कि आपने हिस्सा लिया। बैठक 2 घंटे 40 मिनट तक चली, हमें आपका साथ 9 मिनट तक मिला। आपने हमसे 4 मिनट तक बात की। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बैठक में मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री जोशी शामिल हुए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि इस बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार विपक्ष से कटे कटे से नजर आ रहे हैं। अगर सदन में भी पवार का यही रुख रहा तो विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में विपक्ष पवार के दम पर ही मोदी से सामना करना चाहता है। वही पवार भी कुछ दिन पहले तक तीसरे मोर्चे की वकालत करते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ने विपक्ष को धराशायी कर दिया है। ऐसे में अगर पवार विपक्ष छोड़ मोदी के खेमे में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए जहां फायदा होगा, वहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका। हालांकि फिलहाल सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के कम देर रहने को लेकर विपक्ष इसे अपनी बेइज्जती मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।